बसाने के चक्कर में है, लेकिन ये राम जानकी का मंदिर है भैया, स्नेह में तो फंस सकता है आदमी, लेकिन वैसे फंसने वाला नहीं है। समझते रहिए, भगवान श्री राम की कृपा से देखिए प्रयास कर रही हो। बड़े भैया एक निवेदन है, अगर कुछ भी टूटा फूटा प्रयास आप लोगों को पसंद आए तो केवल तालियां चाहूंगी, ये सबसे बड़ा स्नेह होगा। क्योंकि कार्यक्रम हम बच्चे गाते हैं लेकिन गवाते आप लोग। आइए सुने, मेरे सांसों के आंगन में तेरी ही तस्वीर सजा, मैं तेरी तकदीर हूँ और तू मेरी तकदीर सजा, ऑपरेटर महोदय जी, भैया श्री राघवेंद्र राजपूत जी आपके माध्यम से एक से एक पदमुद्राएं भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भैया हिंदुस्तानी भैया जी के लिए। आइए प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से, हमारे हिंदुस्तानी भैया बस आप, आपकी कृपा यहाँ पर है, आपका आशीर्वाद यहाँ मिलना चाहिए। समस्त हमारे जनता जनार्दन से सभी भाइयों से निवेदन है कि आपका आशीर्वाद मैं ऐसे चाहूंगी, लेकिन भैया आपका आशीर्वाद ऐसे चाहूंगा। आइए सुनिए, तुम इतवा रे तुझे मेरे गीत पुकारे आरे आरे। आइए गीत को सुनिएगा, उधर कन्हैया लाल कह रहे हैं, कन्हैया लाल से युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हे कन्हैया मेरे 100 भाई मारे गए और इस युद्ध में भांति भांति की हानि हुई है, मेरे पुत्र पौत्र भी मारे गए हैं, तो एक निवेदन है कन्हैया कि इनका तारण तरण होना चाहिए। आपने कहा है, युधिष्ठिर ने उधर तर्क रखा, इनका तारण तारण होना चाहिए, तो आपकी लाइन आई क्या बने, तो इनको तारो तारो नजर से उतारो ना इन्हें तारो तारो तारो। भैया भगवान कन्हैया ने नजर से नहीं उतारा, नहीं उतारा, क्योंकि भगवान कन्हैया इधर से लड़ रहे थे, भगवान कन्हैया इधर से लड़ रहे थे, बस लड़ाई धर्म और अधर्म की थी, और जब जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी तो विजय धर्म ही रहेगा, ना उधर पुत्र होता है ना पौत्र होता है, धर्म अधर्म में केवल धर्म अधर्म होता है। लेकिन प्रयास कर रही हूँ, आपका गीत आया है, उधर कन्हैया से कह रहे युधिष्ठिर महाराज तो जवाब बड़े भैया क्या होना चाहिए, क्या जब दो लोगों की बात हो रही है
और एक लोग सवाल करें कन्हैया इनको तारो, तो जवाब कन्हैया की ओर से आना चाहिए। प्रयास करें, सुने सुने। विधि विधान से ये विधि अपना हो, विधान ने ये विधि ने अपना ये सृष्टि जमाया है, विधि विधान ये विधि ने अपना इस सृष्टि में जमाया है। एक नियम होता है, विधान होता है, और उस विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या बात है? तो विधि विधान ये विधि ने अपना सृष्टि में जमाया है, बोएगा जो जैसा तो वही तो हर की माया है, वही तो हर की माया है, वही तो हर की माया है, बोएगा जो जैसा पाए वही तो हर की माया है। इस संसार में जो जैसा बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है, यही माया है। कहा क्या? तो गाया है सब, तो भाया है सब रिश्ते नाते भाया, तो माया है सब रिश्ते नाते माया ने भरमाया है। कौन पिता कौन पुत्र ये सब माया है, तो माया के सब रिश्ते नाते माया ने भरमाया है। तो काहे धर्मराज? तो कर्म का फल मिलता है जग में जिसने जो भी कमाया है। अगर हम चाहें कि बबूल बो दे और आम मिल जाए, नहीं होगा। तो कर्म का फल मिलता है जग में जिसने जो भी कमाया है। तो भैया माने 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 उन्हें के वचन ये समाने माने माने माने। जब ये बात सुनी तो धर्मराज को भी लगा कि बात सत्य है, तो कहना पड़ा क्या बने? तो भैया हसाने का नाम जवाबी, क्योंकि जनता जनार्दन इतनी प्रमुख है, वो बहुत जानती है। बिल्कुल बेटे, पब्लिक ये सब जानती है। आजकल सब लोग फंसा लेते हैं। लेकिन आइए बड़े भैया एक प्रयास और सुनिए। मन के अंदर भाव छिपा क्या हो, और दे रही है।
हमारे भैया भैया श्री मलखान सिंह राजपूत जी और 101 पद्म मुद्रा हमारे सम्मानी भैया भूपत सिंह राजपूत जी भूतपूर्व कमेटी मंडल अध्यक्ष ग्राम अमगाय राम जानकी मंदिर मंडल से है। आपके माध्यम से 101 पद्म मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान श्री राम की कृपा हमारे दोनों भाइयों पर बन रहे, हमारे भैया भूपत भैया और मलखान भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी चक्र में हमारे सम्मानी भैया भैया श्री कायला वन सरकार समिति अध्यक्ष हीरा लाल यादव जी, आपके माध्यम से ये 201 पद्म मुद्राओं का बहुमूल्य स्नेह भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सम्मानी भैया जी की। आइए सुनिएगा, एक टुकड़ा और सुनिएगा। सुने सचदेव भैया, तुम मन के अंदर भाव छिपा क्या जब कान्हा ने जाना है। अरे वो अंतर्यामी है, कन्हैया ने जान लिया कि तुम्हारे अंदर भाव क्या है। तुम मन के अंदर भाव छिपा क्या जब कान्हा ने जाना है। पाप किया पर नर के ये भोगे इसमें इनकी रजाना है। पाप तो किया है, ये कर्म भोगे ये नहीं जानते, ये रजा नहीं, ये नहीं चाहते तो कहना पड़ा। तुम मन का चमन है उजड़ा उजड़ा भैया, कि मन का चमन है उजड़ा उजड़ा, अब उपवन को सजाना है। चमन उपवन, तुम मन का चमन है उजड़ा उजड़ा, अब उपवन को सजाना है। पिछले कर्म का फल ये तो देनी कोई सजाना है। सजाना यानी श्रृंगार, सजाना यानी दंड देना। तो पिछले कर्म का फल ये तो दीनी कोई सजाना है। कोई सजाना है तो भैया तो भैया माने 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 तो बचन उनके ही में समाने माने 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 तो भैया दीपक भैया, जब आप जानते हैं जब तारण तरण हो जाता है तो आगे कुछ बचता नहीं है। जब तारण तरण हो जाता है तो आगे कुछ बचता नहीं है। लेकिन मेरी बड़ी बहन ने कहा कि भैया मानो मानो मानिए, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। बस जब बहन ने कहा भैया मानो
तो छोटा भाई मान गया। बहन ने कहा कि गीत बहुत फंसने फंसाने वाले दे रहे हो, बहन को फंसा रहे हो, एक धुन दे रहा हूं बहन जी, छोटा छोटा बच्चा भी नहीं फंसे, और क्या आप फंसो ना, कार का मार दो, गाना कह रहा है क्या अब भाई फंसे ना बहन हमारी, इसलिए धुन देखो कितनी हम तगड़ी दे रहे हैं। बड़ी बहन बड़े भैया कमलेश राजपूत जी, मुकेश राजपूत जी मंडल सदस्य हैं आप, आज तो से 100 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो कितनी तगड़ी धुन दे रहा हूं हमारी बहन फंसे ना, सुनना हमारे गुरदीप भैया जी गुर्जर साहब ये नेताजी हमारे हवेली वाले 100 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो धुन कितनी तगड़ी दे रहा हूं के राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे मनाया जाए शिव को सर्पों से सजाया जाए अनेकों भूतगण बुलाए हैं सर्प उनसे मंगा पठाए हैं भूतगण जाके सर्प ले आए सभी ने गहने बना पहनाए किंतु माता सती अकुलाई है सुनी जब शिव जी की कलाई है शेष को तब तो कर उठाया है और कंगन सा फिर बनाया है। शेष जी फन निकाल लें पूछ निकाल लें तो माता ने फन पकड़ा और पूछ पकड़ी और कहने लगे के शिव जी पहनन लगे माँ पहनाने लगी आप बजा रहे हो बेटे। अभी जब कड़ी खुलेगी तो आनंद आ जाएगा बिल्कुल। अब माने क्योंकि लाइन कह रही है राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे और धीरे से दबाया तो ये तीनों चीज आ रही है, कोई पहना रहा है, कोई पहन रहा है, कोई कुछ दबाया जा रहा है। देखो कैसे दबाया जा रहा है। शिव जी पहनन लगे माँ पहनाने लगी तो शेष जी कहीं फन निकाले कहीं पूछ निकाले तो माँ ने किया गया क्या के धीरे से फन को दबाया धीरे से फन को दबाया
तो कंगन सा छोटी राम जी बड़े कैसे बरमाल प्रभु को पहनाऊं, बड़ी मुश्किल है कैसे बतलाऊं। हृदय लक्ष्मण ने तब निहारा है, करूं अब क्या यतन बिचारा है। तभी धरती को सर झुकाया है, धरा ने अपना कद घटाया है। अब सिया पहना नहीं पा रही है, लक्ष्मण जी राम के बगल में खड़े हैं। तो जब पहनाने पर लक्ष्मण जी ने किया गया क्या, राम पहनने लगे सिया पहनाने लगी। धीरे से पैर के अंगूठे से, अरे धीरे से धरन दबाया, धीरे से धरन दबाया, तो बड़ी माला सिया ने पहनाया। एक युक्ति मन बिचारी है, बन गए कृष्ण तब मनिहारी है। मगर आवाज को लगाने लगे, आ गए शान से सजाने लगे। रूप मनिहारी का बना कर चले, चूड़िया साथ में लेकर के चले। सुन के आवाज राधिका आई, साथ में सारी सखी ले आई। बोली मनिहारी इधर आओ, इधर आ, कहाँ जा रहे हो? बोली मनिहारी इधर आओ, तुम सामने चूड़िया हमको पहनाओ। तुम श्याम ने टोकरा उतारा है, बड़ा अद्भुत दिखा नजारा है। तो श्याम जी ने राधा का हाथ पकड़ा, समझते रहिए के राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। कुछ पहन रहा है, कोई पहना रहा, कुछ दबाया जा रहा है। के राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। तो धीरे से हाथ दबाया, धीरे से हाथ दबाया, और राधा को चूड़ी पहनाया। उचक जाएंगे कैसे कैसे, सुनना सुनाना, गीत को हल्के मल लीजिए, गीत सुनना।
कोयम्बटूर की घटना गाऊं, सुनो सब सत्य सत्य बतलाऊं। आए एक मीटिंग में राजीव गांधी, आए एक मीटिंग में राजीव गांधी, छा गई तब तो गम की आंधी। एक बुढ़िया वहां पे आई है, राजीव जी आए भाषण देने, एक बुढ़िया आ गई, एक बुढ़िया वहां पे आई है, पुष्पों की माल संग में लागी है, उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ, मौत को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मौत को धन्यवाद देता हूँ। निडर हो मंच के ऊपर आई, छुपा कर बम वो साथ में लाई, बम भी लाई साथ में, मिलके राजीव से मुस्काई है, करिश्मा वो अजब दिखाई है। अब कुछ पहनाया जा रहा है, कुछ कोई पहना रहा है, कुछ दबाया जा रहा है, कैसे के राजीव पहनने लगे, वो पहनाने लगी, दादाजी क्या बात है बेटे, के राजीव पहनने लगे, वो पहनाने लगी, अरे राजू पहनन लगे, और वो पहनाने लगी, तो धीरे से बटन दबाया। क्या बात है, क्या बात है बेटा, एकदम तुम पापा की तरह गा रहे हो, क्या बात है, कोई पहना है, कोई पहना रहा, कुछ दबाया जा रहा, बहुत बढ़िया, राजू पहनन लगे, और वो पहनाने लगी, तो धीरे से बटन दबाया, सूर भारत